गाइज वेलकम टू माय अंदर व्लॉग। तो गाइज आज हम थोड़ी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था तो वो लेने जा रहे हैं, जैसे कि थोड़ा ग्रोसरी का लेके आएंगे, थोड़ा एक एप्पल वॉच देखनी है मुझे वहाँ पे किसी फ्रेंड के लिए, तो हम वो देख के आएंगे, कोस को जाएंगे, देखते हैं प्राइस क्या है, सब कुछ देखेंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको कि प्राइस कंपेयर करूँगा मैं कि ऐसा कोस को मैं क्या प्राइस मिल रहा है और आउटसाइड स्टोर में क्या प्राइस मिल रहा है, तो वो सब देख लूँगा फिर डिसाइड करेंगे कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो गाइस कोस्को जाने से पहले हम सोच रहे कुछ खा लेते हैं, पहले हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना सुबह से एक बार भी, तो हम सोच रहे कुछ पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद कोस्को जाएंगे। हम आए हैं पराठे वाली गली में, पराठे खाएंगे, थोड़ी वैरायटी है इसमें ज़्यादा पराठे की। तो गाइस हमने खा पी लिया, दो या तीन पराठे खाए थे हमने, अब यहाँ से निकल के कोस्को जाते हैं। और तो गाइस ये मैकबुक एयर है और इसका प्राइस है 1489.99। तो गाइस ये SE है, एप्पल SE वॉच, इसका प्राइस दिखा रखा है अभी 40mm का 328.99 और 44 का 368। मैं 40mm लेने आया हूँ। गाइस क्रिसमस की डेकोरेशन कर रखी है, इतना बड़ा सेंटा क्लॉज लगा दिया। ड्रिंक मिलती हो, सस्ती मिलती हो, 32 कैन 14 डॉलर में, 11 डॉलर में कोस्को में, ये बस यही सही है। रहे हैं 7 डॉलर में है, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका। अब गार्डो वगैरह भी हैं, नींबू भी हैं, ये छोटे संतरे, आम वगैरह पड़े हैं, ये मेलन होते हैं, सारा फ्रोजन सामान है, सारे सैलड सुलड, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ब्लूबेरी। ज़्यादा भीड़ है तो यार, सैटरडे है ना तो काफ़ी भीड़ लगी, ये वीकेंड पे ना थोड़ा ऐसा ही होता है, वरना वीकडेज तो ठीक रहता है। सारे कटी सब्जी दिख रही है, ये बोबा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, सारी बल्क में, सारे ओट्स वगैरह पड़े यहाँ पे, कई डाल दिए, फूल वाल भी मिल जाते हैं फ्रेश, तकिए रख रखे, कंबल रख रखे थे, बढ़िया बढ़िया कारपेट सही प्राइस में, इतने सारे चॉकलेट लगा रखे थे। बस उसकी लगा रही, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी यहाँ देखो, 10-10 डॉलर, 8-8 डॉलर में यहाँ भी पड़े हैं, 14-14 डॉलर में स्वेटर से टाइप के, सर्दियों के छोटे छोटे। ये टोमी की जींस, क्या है टोमी जी, जैकेट वुकेट पड़ी है, विंटर जैकेट टाइप लगा लो, इतने सारे ऑप्शन हैं कपड़ों में, सब कुछ है यहाँ पे, जैसे कपड़ों के भी है, इधर भी है, पीछे भी है, जैकेट हो गई, जीन्स हो गई, टी शर्ट हो गई, अंडर गारमेंट्स हो गए, सारा सामान तो हमें मिला नहीं, हमें सिर्फ कुछ चीज़ें मिले जो हमें चाहिए थी यहाँ से, दूध वगैरह, केले, प्याज, ये सब का सामान चाहिए था, दही वगैरह भी चाहिए थी, दही हो गया, आटा हो गया, वो हमें यहाँ से मिला नहीं है, वो हम आगे जाके देखेंगे, कहीं वॉलमार्ट वगैरह से उठाएँगे, कहीं और से उठाएँगे, देखते हैं इसका वो।
काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मैं कर नहीं पाया यार। सैटरडे की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं शूट भी कम कर पाया, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड पर कर पाया जितना कर सकता था। तो बाकी देखते हैं, सारा सामान मिला भी नहीं वैसे, तो जितना मिला उतना लेके आ गए। बाकी मैं वॉलमार्ट जाऊँगा अभी, थोड़ा रहता है दही वगैरह रहता है, आटा वगैरह रहता है, वो लेके आएंगे वॉलमार्ट से। बाकी मैं सोच रहा हूँ वॉलमार्ट जाता हूँ, दही रहेगी मेरी, आटा रह गया थोड़ा बहुत, आटा दो चार सामान है तो रह गया, वो वॉलमार्ट से ले लेंगे। और घड़ी का मैंने देखा था, घड़ी एप्पल वॉच यहाँ पे यार पुरानी वाली है, तो नई जनरेशन की आई है, अपडेटेड वाली आई है, नई वाली SE2 वो आई नहीं है, और जो आ रखी है वो बहुत महंगी है, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस से सिर्फ $20 कम है, तो फिर यहाँ से फ़ायदा क्या लेकर अलग से। ये पिक काला मेरे साथ रेस्ट कर देते हैं, ये बगा ले ऐसा चिंगाटी पाएगी गाइस। वॉलमार्ट है, अपना सामान यहाँ मिल जाएगा, देखो थोड़ा वो सामान चाहिए, ज़्यादा सामान चाहिए भी नहीं, दही वगैरह चाहिए और देखते क्या है। तो गाइस ये संतरे साइज का नींबू है, ये छोटी साइज का लाइम लाइम है, ये प्याज है गाइस, इतना बड़ा प्याज है कि देखो मेरा हाथ इतना। गाइस ये है मेन एरिया अपना इंटरनेशनल वालों का, जहाँ पे अपने इंडियन फूड थोड़ा बहुत मिल जाता है, अपने कुरकुरे कुरकुरे चिप्स वगैरह हो गए, बिस्किट हो गए अपने, ये अपने देखो ये अपने गुड्डे मिल गए, 50-50 हो गए, हमारा अचार हो गया, बिस्किट हो गए, नमकीन हो गई अपनी, ये टाटा टी हो गए, कौन से टी इंडिया, ये पार्ले जी पड़े अपने, ये रस पड़े, नीचे आटे पड़े, आटा गोल्डन टेम्पल के सिक्का, ये मसाले अपने नमकीन भेलपूरी टाइप, लेवल फ्रूटी। अच्छा तो इसलिए वॉलमार्ट में आधी चीज़ खाली मिलती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत तेल मिल गया तो लेना था, वो भी बड़े वाला नहीं है, छोटे वाला ही है, वो छोटा ले लिया हमने। ये सारी ड्रिंक्स है गेटोरेट। गाइस जो हमने आम का जूस लिया है यहाँ से, ये स्टोर है रियल फ्रूट जूस करके, यहाँ से रियल फ्रूट जूस मिल जाता है, कोई भी ले लें वो, ये तो आम का है, नीचे इसके बोबा है, बाकी आम के केले के पाइन एप्पल के बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास, रियल फ्रूट करके कुछ है ना, मुझे नाम भी नहीं पता क्या इसका, रियल फ्रूट जूस करके ये तो लिखता रहा है रियल फ्रूट बबल टी है भी पा लूँ। गाइस ग्रोसरी वगैरह सारी चीज़ कर ली है, मैं थोड़ा बहुत सामान लेना वाला लिया है, अब वेदर कितना बढ़िया हो रखा है, शाम हो गई है, टाइम टाइम के 5:30 हो गए हैं, बट जल्दी जल्दी ना अंधेरा हो जाएगा, सनसेट जल्दी होता है ना, वेदर तो बहुत बढ़िया हो गया, शाम तो शाम हो गई है, हवा चल रही है, बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं ना।
तो गाइस हम घर आ चुके हैं गाइस। तो आज के दिन से ये कुछ नहीं, बस थोड़ा खा पी लिया और अपने तो ग्रोसरी कर ली। मैं दिखाता हूँ ग्रोसरी के मैं लाया। ये तो ये मेरी ग्रोसरी है सर, जिसमें थोड़ा तेल का तेल है, केले हो गया, दूध हो गया, गार्ली ब्रेड हो गया, ये कपड़े धोने का हो गया, दही है भाई, बिस्कुट पड़े हैं थोड़े से, और अपना अदरक पड़ी, और क्या है बस इतनी सी ग्रोसरी है। किसने किया ये 55 को उसको में लगे थे 14, वही $70 के आसपास की ग्रोसरी थी। एक पानी की, पानी के सेटअप उस 12 बोतल का उसने किया ही थी। हाँ गाइस, ये कपड़ों में यही टोपी लेकर आया था मैं अपनी, ये क्या दो लेकर आया था, ये लेकर आया था तो दूसरी इस कलर में लाया था, एक इस कलर में आया था, एक आया था। ठंड होगी ना, ठंड पड़ेगी, सिर पर जाएंगे तो ये पैर के जाएंगे, कान में ठंड लगने से ना, इसलिए एक ये लेकर आया था, एक पजामा लेकर आया था $15 का, पजामा लेगा यार, और एक एक डॉलर की $15 का पजामा लिया, और एक एक डॉलर की दो टोपी थी, मतलब दो टोपी एक डॉलर में ली। ये थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था, डील चल रही थी, ले लिया था। तो गाइस इसी व्लॉग का आज यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, और नेक्स्ट व्लॉग में क्या करना चाहिए, कुछ भी आइडिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, और यहाँ तक देखिए तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इस तो चल मिलते हैं नेक्स्ट।